हेलो एवरीवन, दी शमशाद यार। आज हम लोग एमएस वर्ड का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि केवाईबी के फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ये बेसिकली प्रैक्टिस सेट है और इस सीरीज में हम तीन सेट को कवर करेंगे। एक सेट एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेगा, दूसरा सेट पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेगा और तीसरा सेट जो कि लास्ट में हम लोग कवर करेंगे वो एमएस एक्सेल पे बेस्ड होगा। ओके, तो पहले सेट में मैंने एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि आपके लैब सेशन में भी पूछा जाता है और केवाईपी के फाइनल एग्जाम में भी मैंने कई स्टूडेंट से ये सुना है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। इस लेक्चर को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा क्योंकि इस लेक्चर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं और अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आपका एग्जामिनेशन काफी अच्छा जाने वाला है और आपका मार्क्स आई होप अच्छा आएगा। ओके, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले आपको लेक्चर शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि सीआईटी एग्जाम जो होता है वो टोटल कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 80 आते हैं और ये सॉल्व कितने देर में करना होता है, 1 आवर में करना होता है। यानी 1 आवर में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और अगर जिसका 80 में 80 क्वेश्चन सही हो जाता है उसको कितना मार्क्स मिलता है, 20 मार्क्स। तो 80 क्वेश्चन में 20 मार्क्स मिलता है यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 0.25 मार्क्स का होता है यानी 1/4, 0.25 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 40% मार्क्स लाना होता है यानी 20 का 40% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 मार्क्स। तो हर एक स्टूडेंट को मिनिमम 8 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। अगर आपका जो मार्क्स है वो 8 नंबर से कम होगा तो आप उस कोर्स में फेल कर जाते हैं। जैसे केवाईपी में 3 कोर्स को क्या किया गया है, लिया गया है बीएससीआईटी, बीएससीएलएस और बीएससीएसएस, तीनों का अलग अलग कोर्स का मार्किंग होता है लेकिन सब में ये चीज कॉमन है कि अगर आपका मार्क्स जो है 40% से कम होगा तो आप उसमें फेल कर जाते हैं। तो हम लोग इसी तरह से देखने जा रहे हैं कि जो केवाईपी का मेन सीआईटी का क्वेश्चन होता है वो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल में। तो वर्ड के क्वेश्चन में कौन कौन किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने इस आपके पीडीएफ फाइल में मैंने टोटल 31 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है जो कि मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है, जबकि आपकी केवाईपी के फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको मे बी 4-5 क्वेश्चन एक तरह का देखने को मिलेगा जिसमें बेसिक चेंजेस होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है और बाकी सेम सेम ही रहता है। तो आप अगर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये मान के चलें कि आपके फाइनल एग्जाम में इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस द वर्ड सेल्फ इन टू डेस्क बाय यूजिंग द रिप्लेस बटन। सिंपल कह रहा है कि जो आपका एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उसमें हम लोगों को फाइंड करना है कौन, जिसको फाइंड करना है सेल्फ को, सेल्फ वर्ड कहाँ का लिखा हुआ उसको रिप्लेस करना है किसमें, डेस्क को। ठीक है, सेल्फ को किसमें रिप्लेस करना है, डेस्क में, यानी सेल्फ को चेंज करके डेस्क कर देना है। कैसे चेंज करना है, बाय यूजिंग रिप्लेस बटन। तो सिंपल हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एमएस वर्ड का पहला क्वेश्चन क्या, जो डॉक्यूमेंट पहले से मेरे पास है मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, इसमें हम लोग फाइंड करना होगा कि सेल्फ कहाँ पे है और उसको रिप्लेस करना है डेस्क से। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिप्लेस को करेंगे क्लिक और यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेल्फ। ओके, और इसको किससे रिप्लेस करना है, डेस्क से। तो हम लोग करेंगे रिप्लेस ऑल। ओके, तो देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, ऑल डन वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, यानी टोटल जगह 2 जगह सेल्फ लिखा हुआ था इस पूरे पैराग्राफ में और दोनों को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, सेल्फ वर्ड को डेस्क देना। ओके, तो अब क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और यहाँ पे एक बटन होता है सेव एंड नेक्स्ट, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो सेव एंड नेक्स्ट होकर नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। ये रिप्लेस वाला जो क्वेश्चन पहला वाला काफी कई बार बहुत बार पूछा गया होगा, अलग अलग वर्ड से पूछा जाता है, 4-5 बार तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है सर कि रिप्लेस कीजिए इस वर्ड को इस वर्ड को उससे। तो आपको ये सिंपल बेसिक है, सबसे पहले इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। आगे चलते हैं, इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कन्वर्ट द थर्ड इक्विपमेंट नेम टू अपर केस। तो ये चेंज केस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो इक्विपमेंट नेम लिखा हुआ है 1 2 3 करके इक्विपमेंट नेम होगा उसको क्या करना है, थर्ड में जो लिखा हुआ है यानी थर्ड पॉइंट में जो इक्विपमेंट का नाम लिखा हुआ है उसको चेंज करना है किसमें, अपर केस। अपर केस का मतलब क्या, कैपिटल लेटर में चेंज करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को ओपन करते हैं और देखते हैं कि थर्ड इक्विपमेंट नेम कौन है। देखिए 1 2 3 ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट नेम है, इसमें थर्ड ये है तो इसको क्या चेंज करना है, इसको चेंज करना अपर केस में, मतलब ये इसमें देखिए एम कैपिटल है, ओ स्मॉल है, बाकी सारा स्मॉल है, सिर्फ एम कैपिटल है। तो इसमें क्या करना है, इस सारे वो कैपिटल में चेंज करना है यानी अपर केस में। इसके लिए क्या करना है, चेंज केस ऑप्शन यूज करना है। चेंज केस ऑप्शन कहाँ होता है, ये होता है, यहाँ जाइएगा, चेंज केस में दिखाई दे रहा है अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टगल केस, चारों है ऑप्शन। तो हमको किसमें कह रहा करने के लिए, अपर केस में, तो यानी सारा कैपिटल होना चाहिए। देखिए जैसे ही आपने अपर केस क्लिक किया यहाँ पे क्या हो गया, सारा लेटर जो है वो कैपिटल हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे सेवन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट द नंबर अलाइनमेंट इन द गिवन डॉक्यूमेंट। कह रहा है जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें जो
जो आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो किसमें है, बिना नंबर के, विदाउट नंबरिंग, इसको नंबर अलाइनमेंट में चेंज कीजिए। तो नंबर अलाइनमेंट चेंज करने के लिए क्या, यहाँ पे नंबरिंग अलाइनमेंट है, आप किसी एक को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जाइएगा और किसी एक नंबर सिस्टम को चूज करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये क्या है नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट है, तो नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट को सेलेक्ट करके चूज कर दिया गया। देन हम लोग करेंगे क्या, सेवन नेक्स्ट, देखिए यहाँ नंबर आ गया 1 2 3 4, पहले नंबर नहीं था अब आ गया। ओके सेवन नेक्स्ट करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्लाई बोल्ड इफेक्ट इन द फॉन्ट इन द गिवन डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, उसके फॉन्ट को, यानी जो लेटर है उसका फॉन्ट पहले से दूसरा होगा, उसको क्या करना है बोल्ड में करना है, यानी इस पूरे जो पैराग्राफ है इस पूरे पैराग्राफ को क्या करना है बोल्ड फॉन्ट में चेंज करना है। तो बोल्ड फॉन्ट ये होता है, इटैलिक ये होता है, अंडरलाइन ये होता है, और स्ट्राइक थ्रू ये होता है, याद रखिएगा सब, ठीक है। तो बोल्ड में चेंज करना है यानी बोल्ड पे क्लिक कर दिए, सारा बोल्ड हो गया, डार्क हो गया, पहले लाइट था ना अब ये डार्क हो गया, तो ये बोल्ड इफेक्ट आ गया इसके अंदर। अब हम लोग करेंगे सेवन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसर्ट द ऑस्टिन कोड टेक्स्ट बॉक्स इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि जो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कीजिए, जो किस टाइप का होना चाहिए, ऑस्टिन कोड टाइप का होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है या 4 है, ये क्वेश्चन नंबर है 5, तो 5 क्वेश्चन नंबर को ओपन करेंगे। ओके ये 5 क्वेश्चन नंबर ओपन होने के बाद इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, जो कि किस तरह से होना चाहिए, ऑस्टिन कोड। तो ये देखिए ये नॉर्मल क्लिक किया तो ये टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा नॉर्मल, लेकिन आपको अगर स्पेशल टाइप का बोला जाए तो यहाँ क्लिक करेंगे एरो के पर, यहाँ दिखाई देगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप, ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, अगर एक बार आप क्लिक कीजिएगा तो ये सिंपल टेक्स्ट बन पहला वाला बन जाएगा, लेकिन स्पेशल टाइप का बोल रहा है, कह रहा है ऑस्टिन कोड होना चाहिए ये वाला, तो इसी को सिलेक्ट करना है। अगर दूसरा बोल देगा बैंडेड साइड बार होना चाहिए तो ये होना चाहिए, ये अलग अलग बोल देगा तो अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है ऑस्टिन कोड बोला है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें कुछ लिखने के लिए नहीं करेगा, लिखने के लिए बोलेगा तो अंदर राइट भी कर देंगे हम लोग, अभी लिखने के लिए नहीं बोला, सिर्फ कह रहा है इंसर्ट करने के लिए। तो अब यहाँ करेंगे सेवन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, अप्लाई ड्रॉप कैप इफेक्ट इन मार्जिन टू द गिवन डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि ड्रॉप कैप इफेक्ट अप्लाई कीजिए, कौन वाला ड्रॉप कैप इफेक्ट, तो ड्रॉप कैप इफेक्ट जो होता है दो तीन तरह का होता है, एक होता है इन मार्जिन, एक होता है ड्रॉप, एक अलग अलग टाइप का। तो यहाँ पे कह रहा है ड्रॉप कैप इफेक्ट इन मार्जिन, इंसर्ट पे जाएंगे, ड्रॉप कैप यहाँ पे होता है, देख लीजिएगा ड्रॉप कैप लिखा हुआ है, ड्रॉप कैप में देखिए यहाँ दिखाया हुआ है ड्रॉप इन मार्जिन, तो आपको कौन सा करना है इन मार्जिन, इन मार्जिन सेलेक्ट करेंगे और सेवन नेक्स्ट कर देंगे। ओके सेवन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या कह रहा है, रिमूव द ड्रॉप कैप इफेक्ट, रिमूव द ड्रॉप कैप इफेक्ट फ्रॉम द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। कह रहा है पहले से उसमें ड्रॉप कैप इफेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, उसके ड्रॉप कैप इफेक्ट को हटा देना है, रिमूव करना। तो देखिए ऑलरेडी ड्रॉप कैप इफेक्ट क्या है लगा हुआ है, इसको क्या करना है रिमूव करना। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही जाएंगे इंसर्ट पे जाएंगे, ड्रॉप कैप पे जाएंगे, और ये सब लगाने के लिए नीचे वाला, ये नन करने का मतलब हट जाएगा, तो नन पे सेलेक्ट कर देंगे तो ड्रॉप कैप इफेक्ट अगर लगा हुआ तो हट जाएगा, वो लगा हुआ देखिए पहले से लगा हुआ था हट गया, अब नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। ओके तो यही कह रहा था हटाने के लिए। सेवन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, इंसर्ट 5 रोज एंड 6 कॉलम इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या करना है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट जो दिया हुआ उसमें एक टेबल इंसर्ट करना है, जो कितने रोज का होना चाहिए, 5 रोज एंड 6 कॉलम का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, जिसमें कितना कह रहा है 5 रोज एंड 6 कॉलम। तो देखिएगा ऊपर वाला जो दिखाता है ऐसे देखिए सेलेक्ट कर रहा है, तो ये कॉलम बढ़ रहा है, बढ़ाना 5 × 2 यानी 5 कॉलम और 2 रोज। अभी क्या कह रहा है 5 रोज एंड 6 कॉलम का, कितना बोल रहा है एक बार देख लीजिए वहां पे ध्यान से क्वेश्चन को, कितना बोल रहा है 5 रोज एंड 6 कॉलम है या कुछ और है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 5 रोज एंड 6 कॉलम है, तो सिंपली 5 रोज एंड 6 कॉलम, तो 5 रोज हो गया और 6 कॉलम हो गया। देखिए पहला क्या दिखाता है, पहला वाला कॉलम दिखाता है और सेकंड वाला क्या दिखाता है रोज दिखाता है, ये हो गया 6 कॉलम 5 रोज, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था यही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा टेबल बनाते वक्त कि कितना कॉलम हुआ कितना रोज, तो यहाँ कितना कॉलम हो गया 1 2 3 4 5 6, रोज कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 रोज और 5 कॉलम, सॉरी 5 रोज एंड 6 कॉलम। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था 5 रोज एंड 6 कॉलम होना चाहिए, टेबल बन गया। जितने रोज एंड कॉलम का बोलेगा वहां पे आप डाल के भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये शॉर्टकट है। एक और तरीका क्या है, यहाँ पे टेबल जाने के बाद यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ टेबल करिएगा। ओके या इंसर्ट टेबल करिएगा, उसमें डालिएगा टेबल, देखिए ये क्या है रोज कितना बोल रहा है, सिंपली आप कर सकते हैं यहाँ पर रोज डालिए कॉलम डालिए ओके कीजिए और बन जाएगा। चलिए मैं इससे भी दिखा देता हूँ आपको करके, ये भी शॉर्टकट तरीका है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं शॉर्टकट करते हैं लेकिन जल्दी नहीं कर पाते हैं, यहाँ टाइम भी सेव करना है, तो वो जो तरीका मैंने आपको बताया उससे क्या होगा टाइम सेव होगा। चलिए मैं टेबल को डिलीट करता हूँ और 5 रो एंड 6 टेबल का कितना था आपको करना था 5 रोज, तो ये है नंबर ऑफ कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना 6 और नंबर ऑफ रोज कितना डालना था 5, और इसको डालने के बाद ओके कीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेबल बन जाएगा, ये बन गया, वही हो गया सेम चीज। तो वैसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेवन नेक्स्ट। ओके यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, अप्लाई फॉर्मेट प्रिंटर इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन।
कह रहा है क्या कीजिए, फॉर्मेट पेंटर जो स्टाइल है उसको अप्लाई कीजिए, किसमें, फर्स्ट लाइन में जो आपका फॉर्मेट अप्लाई है, मतलब जो सेंटेंस में जो फॉर्मेट लगा हुआ है उसी को थर्ड लाइन में भी अप्लाई कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 9 को पहले ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि फर्स्ट लाइन में कौन सा फॉर्मेट अप्लाई है, उसी को क्या करना है। देखिए फर्स्ट लाइन ये है आपका, फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, इसी के यानी इसी तरह का टेक्स्ट आपको थर्ड में भी क्रिएट करना है। तो इसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फॉर्मेट है उसको कॉपी कर लिया गया। अब इसको किस पे अप्लाई करना है, हम लोगों को थर्ड पे अप्लाई करना है। तो ये थर्ड है, इस पे जैसे ही आप ड्रॉ करके छोड़िएगा कर्सर को, तो ये क्या हो जाएगा, सेम उसी स्टाइल में आ जाएगा। देखिए जैसा फर्स्ट है वैसे ही थर्ड हो गया। तो सेम अगर किसी और को करना है तो फिर से वही कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा इसको, जैसे ही उस पर चला जाएगा। तो किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करना होता है तो उसको पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं, और फिर जिसपे उसको जिसपे वो पेंटर अप्लाई करना होता है उसको सेलेक्ट करके छोड़ देते हैं, वो अपने सप्लाई हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस की चीज है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी सीख पाएंगे, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं आने वाला। ये देख के वीडियो आप कुछ नहीं समझेंगे जब तक आपके सामने एक लैपटॉप या डेस्कटॉप ना हो जिसपे आप प्रैक्टिस करते चले। बारी बारी से जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वैसे वैसे आप भी क्वेश्चन को ओपन कीजिए और ट्राई कीजिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा। ओके आगे चलते हैं। चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज टू द लैंडस्केप, कह रहा है कि जो आपका एमएस वर्ड का जो पेज दिया हुआ पहले से वो किसमें है, होता है पोर्ट्रेट में होता है, उसके ओरिएंटेशन को चेंज करें, किसमें करना है, लैंडस्केप में चेंज करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ओरिएंटेशन को चेंज कीजिए, किसमें, लैंडस्केप में, पहले से किसमें, ये पोर्ट्रेट में है। तो क्या है ओरिएंटेशन, कहाँ मिलेगा आपको, पेज लेआउट में। तो यहाँ ओरिएंटेशन है, यहाँ पे क्या है पोर्ट्रेट मोड में ये दिया हुआ है, उसको किसमें चेंज करना है, लैंडस्केप में। तो लैंडस्केप पे क्लिक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हॉरिजेंटल मोड जो कहलाता है, हॉरिजेंटल मोड लैंडस्केप होता है, और वर्टिकल मोड जो होता है वो पोर्ट्रेट मोड होता है। जब आप A4 पे किसी चीज को प्रिंट निकालने जाते हैं, कहीं भी कोई प्रिंट के दुकान में चलेंगे और कहा चीज प्रिंट निकालिए, तो वो किस मोड में निकालता है, पोर्ट्रेट मोड में निकालता है। लेकिन आप कोई सर्टिफिकेट अगर लेके जाए, जैसे आपको सिस्को का सर्टिफिकेट मिला होगा, KYV का या किसी का भी सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो अगर प्रिंट करने जाएंगे तो वो किस मोड में निकालते हैं, लैंडस्केप मोड में निकालते हैं। तो ये याद रखिएगा, लैंडस्केप मोड का मतलब हॉरिजेंटल और पोर्ट्रेट मोड का मतलब वर्टिकल। ओके 7 नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या कह रहा है, स्प्लिट द गिवन डॉक्यूमेंट इनटू 4 कॉलम, कह रहा है जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है 11 नंबर में उसको क्या कीजिए, पहले तो सिंगल होता है एक ही पैराग्राफ के फॉर्म में होता है, लेकिन उसको कॉलम में डिवाइड करना है, कितने कॉलम में, 4 कॉलम में। तो कंट्रोल लेकर के सेलेक्ट कर लीजिए आप पूरे को, आप पेज लेआउट पे जाइएगा, यहाँ कॉलम मिल जाएगा आपको, इसमें मोर पे जाइएगा और यहाँ कितने कॉलम में डिवाइड करने के लिए कह रहा है, 4, अगर 5 बोलेगा 6 बोलेगा जितना भी बोलेगा यहाँ पे डाल दीजिए, ओके कर दीजिएगा, उतने कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम ओके डिवाइड, यहाँ 4 बोला था इसलिए हमने 4 पे कर लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑफ द टेक्स्ट इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, कह रहा है कि जो भी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट 12 नंबर में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको ओपन कीजिए और उसके हर एक वर्ड को कैपिटलाइज कीजिए। इसमें देखिए ये इतना सेंटेंस ये वाला लिखा हुआ है, इसमें क्या है, पहले से सारा सेंटेंस में सारा वर्ड जो है स्मॉल है, यानी लोअर केस में लिखा हुआ है। आपको क्या कह रहा है, इसका केस चेंज करके किसमें करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड को सेलेक्ट करना है, यानी हर एक वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। देखिए हो गया, हर एक वर्ड का पहला लेटर अब कैपिटल हो गया, टी कैपिटल, टी कैपिटल, एस कैपिटल हो गया। तो इस तरह से ये कह रहा था ये करने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड, चेंज द हाईलाइट हो गया, ओके कैपिटलाइज हो गया, हाईलाइट द थर्ड लाइन इन द गिवन डॉक्यूमेंट विद द येलो कलर, कह रहा है थर्ड लाइन जो है उसके थर्ड लाइन को जो है हाईलाइट कीजिए, किससे, येलो कलर से। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल 13 नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग ओपन कर लें, थर्ड लाइन को देख ले कहाँ है, उसको हाईलाइट करना है येलो कलर से। थर्ड लाइन को ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लाइन ये है, इसको येलो कलर से हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट ये है, हाईलाइट रही है, इस पे जाएंगे येलो कलर, येलो कलर ये है, हो गया 7 नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है चेंज द पेज कलर ऑफ द गिवन डॉक्यूमेंट टू लाइट ग्रीन, कह रहा है कि पेज कलर को लाइट ग्रीन कीजिए। तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन ओपन कर लें, पहले से पेज कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, उसको कह रहा है लाइट ग्रीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो पेज कलर के बारे में बोलेगा या पेज बॉर्डर के बारे में बोलेगा या वाटर मार्क के बारे में, तो आपको डिजाइन पे क्लिक करना होता है, याद रखिएगा ठीक है। तो यहाँ जाइएगा, लाइट ग्रीन कौन सा है, लाइट ग्रीन ये वाला है, ठीक है लाइट ग्रीन लिखा हुआ है, ओके इसको सिलेक्ट कर देंगे और 7 नेक्स्ट कर लेंगे। ओके अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है मेक द बॉटम मार्जिन 1.5 एज पर द गिवन डॉक्यूमेंट, कह रहा है बॉटम मार्जिन को 1.5 कीजिए। तो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बॉटम मार्जिन, बॉटम मार्जिन कहाँ मिलेगा आपको, पेज लेआउट में मिलेगा। तो पेज लेआउट पे जाइए, बॉटम मार्जिन, बॉटम मार्जिन मार्जिन में जाइए और यहाँ कस्टम मार्जिन में जाइए, तो अपने आप आ जाएगा बॉटम। बॉटम कहाँ गया, टॉप है ये, बॉटम है, बॉटम को कहना कह रहा है 1.5 करने के लिए,
यहाँ 1.5 कर दीजिए। ओके, अगर सेंटीमीटर नहीं कुछ बोला तो मतलब सेंटीमीटर, और अगर कुछ बोल रहा है इंच में तो इंच में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, वो डबल को कॉमा डाल के इंच में कन्वर्ट कर देंगे। अभी कह रहा है कि सिर्फ 1.5 किया, तो 1.5 कर दिया बॉटम मार्जिन को। उसके बाद क्या करेंगे, सेम एंड नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है, डिलीट ए कॉलम फ्रॉम द टेबल ऑफ द गिवन डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि ये 16 नंबर में एक टेबल दिया हुआ है, उसके एक कॉलम को डिलीट कीजिए, कोई भी एक कॉलम को डिलीट कीजिए। तो 16 नंबर ओपन करेंगे, उसके एक कॉलम को, किसी भी एक कॉलम को डिलीट करना है, तो किसी भी एक कॉलम को डिलीट करना है, हम कोई भी एक कॉलम वाले जिसको डिलीट करना है, इसको जिसको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, डिलीट कॉलम का ऑप्शन दिखाई देगा, डिलीट हो गया, हो गया डिलीट, सिंपल। जिसको डिलीट करना होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं और डिलीट का कॉलम का ऑप्शन होता है उसे डिलीट कर देते हैं, सेव कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंसर्ट अ टेबल विद 5 रोज एंड 6 कॉलम एंड अप्लाई द ऑरेंज कलर इन द टेबल। कह रहा है टेबल इंसर्ट कीजिए जिसमें 5 रोज होना चाहिए, 6 कॉलम होना चाहिए, और उसके बाद उस टेबल का बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, ऑरेंज कलर का होना चाहिए। तो चलिए हम लोग 5 रो और 6 कॉलम का टेबल पहले ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में 5 रोज और 6 कॉलम का एक टेबल ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल में जाएंगे, चाहे तो हम इससे ड्रा कर लें चाहे हम इससे ड्रा कर लें, इंसर्ट टेबल से चलते। चलिए 5 रोज, तो पहले हम रोज ही को कर लें, 5 रोज 6 कॉलम, तो 6 कॉलम। ओके, 5 रोज 6 कॉलम का एक टेबल बन गया। अब कह रहा है कि इसको बैकग्राउंड कलर को कैसा करना है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज होना चाहिए ना, ऑरेंज बोल रहा है, ऑरेंज ऑरेंज यही है, देखिए ये ऑरेंज है। ओके, आप ऑरेंज सेलेक्ट कीजिएगा, ये बैकग्राउंड पेज कलर हो गया, सॉरी। इसमें क्या है, आपको सिर्फ टेबल का कलर करना है, तो टेबल का कलर करने के लिए सिर्फ टेबल को सिलेक्ट कीजिएगा और टेबल का कलर चेंज कीजिएगा। ओके, टेबल के बाहर का नहीं, देखिए टेबल का कलर यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे जाइएगा कैसा कलर करना, ऑरेंज, ऑरेंज हो गया, हो गया ये पेज कलर, मतलब पूरा पेज का कलर चेंज हो जाएगा। अब सिर्फ टेबल का था तो टेबल को सिलेक्ट करके, यहाँ टेबल को सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर चेंज करने का ऑप्शन यहाँ आ जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है, 18। 18 में क्या कर रहा है, पुट एन आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर ऑन द गिवन डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि जो गिवन डॉक्यूमेंट है उसमें एक आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर लगाइए, तो पेज बॉर्डर पर जाएंगे और उसके बाद आर्टिस्टिक आर्ट वाला जो पेज बॉर्डर है, कोई वाला भी एक आर्ट सेलेक्ट करके लगा देंगे हम लोग। तो डिजाइन पे गए, पेज बॉर्डर पे गए, आर्ट पे गए, कोई एक आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर को आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, ये आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर यहाँ पे लग जाएगा। ओके, सेव एंड नेक्स्ट करके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर, इंसर्ट हाइपर लिंक विद द इमेज इन द गिवन डॉक्यूमेंट। कह रहा है एक इमेज है जिसमें आपको क्या करना है, इस हाइपर लिंक को इंसर्ट करना है, http://www.hallmark.com, इसको कॉपी कर लेना सबसे पहले। ओके, और क्या कह रहा है, इमेज पे, तो 19 नंबर में एक इमेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम लोग इमेज डाल देंगे, पहले देखते हैं इमेज है कि नहीं, अगर इमेज होगा तो उसी में ये हाइपर लिंक डालना है। तो देखिए पहले सवाल है कि इमेज है, ये इमेज है, ये टेक्स्ट नहीं है बल्कि इमेज है, देखिए जैसे ही सेलेक्ट किया पूरा आगे पूरा हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये इमेज है। ओके, इसमें क्या करना है, उस हाइपर लिंक को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, इमेज पे क्लिक कीजिएगा, फिर राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक का ऑप्शन आता है, हाइपर लिंक पे सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे जो हाइपर लिंक कॉपी किया था उसको लाके पेस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट हो गया http://hallmark.com। ओके, आगे में जो डॉट था उसको हटा देते हैं, उसके बाद इसको ओके कर देते हैं, तो जैसे ही ओके कीजिएगा देखिए अब आ गया, कहीं पे भी सेलेक्ट करें तो हॉलमार्क लिंक में है ना, हाइपर लिंक यहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ है, जैसे ही देखिए यहाँ पे ला रहे हैं एरो, लिखा हुआ www.hallmark.com लिखा हुआ आ रहा, दिखाई दे रहा है, तो ये इस इमेज पे ये वाला हाइपर लिंक इंसर्ट हो गया, यानी जब भी इस इमेज को आप क्लिक कीजिएगा तो अब ये वाला वेबसाइट अपने आप खुल जाएगा, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हाइपर लिंक जो है एक्टिव हो जाएगा, हॉलमार्क वाला। ओके, आगे चलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, हम लोग चलेंगे 19 से 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रिमूव हाइपरलिंक फ्रॉम द वर्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में डेवलपमेंट एक वर्ड पहले से लिखा हुआ है 20 नंबर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, उसमें हाइपरलिंक लगा हुआ है, यानी वो ब्लू कलर से हाईलाइट होगा, उसको क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो 20 नंबर ओपन कर लें, देख लेते हैं डेवलपमेंट वर्ड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, उसमें हाइपरलिंक है कि नहीं, देखिए ये है डेवलपमेंट वर्ड है, ब्लू कलर से है, मतलब हाइपरलिंक, हाइपरलिंक लिखा हुआ www.google.com है, इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपरलिंक ओपन होने लगेगा, यहाँ पे क्लिक करके ओपन कीजिएगा तो हाइपरलिंक अपने आप ओपन होने लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या करना है, इस हाइपरलिंक को हमको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, जैसे हम लोग लगाते हैं वैसे ही हटाते भी हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव हाइपरलिंक। ओके, रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक हट जाएगा, देखिए अब ये ब्लू कलर था, ब्लू कलर में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ मतलब उसमें क्या है, कोई ना कोई हाइपरलिंक उसके अंदर इंसर्ट है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा हाइपरलिंक। ओके, चलिए नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है कह रहा है इंसर्ट अ हाइपरलिंक, इतना कह रहा है इस हाइपरलिंक को इंसर्ट कीजिए, इसमें एक नेम लिखा हुआ शमशाद नाम से,
वर्ड लिखा हुआ है इस 21 नंबर क्वेश्चन में, उसमें क्या करना है, ये हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है। तो इस हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है, मतलब इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, यहाँ जिसको जिसको आपको मतलब इंसर्ट करना है उसको कॉपी कर लीजिए पहले, और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन में जाइए और जो वर्ड में इंसर्ट करने के लिए कह रहा है उसको ओपन कीजिए। 21 को ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 21 ओपन होने के बाद, ओपन हो गया, देखिए यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है शमशाद, इस पे क्या करना है, वो हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है। तो यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, उस हाइपरलिंक लिंक को डालेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लिंक को डालने वक्त देखिए आगे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं हो, जो लिखा हुआ वही आना चाहिए, जैसे डॉट आ गया तो डॉट को हटा दिया, उसके बाद ओके करेंगे तो देखिए ये हाइपरलिंक हो गया। अब ये हो गया, इसमें जैसे ही ले जा रहे हैं क्लिक कर देखें, यहाँ दिखा रहा ना ऊपर में हाइपरलिंक www.hallmark.com, जैसे ही ये क्लिक कीजिएगा वो वेबसाइट खुल जाएगा। ओके, तो ये हो गया किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड के ऊपर हाइपरलिंक इंसर्ट करना। ओके, किसी इमेज के ऊपर कर सकते हैं, किसी वर्ड के ऊपर कर सकते हैं, किसी पूरे सेंटेंस के ऊपर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 22 है इंसर्ट टेक्स्ट वाटरमार्क एनवेलप इन द गिवन डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें एक वाटरमार्क इंसर्ट कीजिए, जिसका नाम होना चाहिए वाटरमार्क का क्या, एनवेलप नाम से, एनवेलप नाम से एक वाटरमार्क उसमें होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। तो 22 हम लोग ओपन कर लें, उसमें देखेंगे पहले से वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, ये कोई वाटरमार्क नहीं है। वाटरमार्क का मतलब क्या, पेज के इनबिल्ट में दिखाई देगा एक ट्रांसपेरेंट सा लिखा हुआ कुछ ना कुछ, जैसे कोई भी पेज जैसे अभी हम लोग जो चला रहे हैं उसमें भी एक वाटरमार्क है, देखिए ये मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाटरमार्क से दिखाई दे रहा है आपको, यही वाटरमार्क होता है, ठीक है। तो कह रहा है इसी चीज को आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, इसमें इंसर्ट करना है। इसके लिए क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, वाटरमार्क पे जाना है। वाटरमार्क किसमें होता है, डिजाइन में होता है, डिजाइन में जाइएगा, वाटरमार्क पे जाइएगा। ओके, उसके बाद इसमें लिखना है अलग से तो कस्टम में जाइएगा, अगर नॉर्मल वाटरमार्क बोलेगा तो कोई भी सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन लिखने के लिए कह रहा है क्या आपको, इनवेलप, तो टेक्स्ट पे जाके क्लिक कीजिएगा और फिर लिखिएगा इनवेलप, ये लिखने के लिए कह रहा है, तो ये लिख के ओके कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया, ये टेक्स्ट में आ गया ना, ये पेज में ये वाटरमार्क ऑलरेडी लिखा गया इनवेलप नाम से, यही कह रहा था क्वेश्चन में करने के लिए। आगे चलते हैं, सेवन नेक्स्ट करके चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 23, इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट रिमूव इटैलिक एंड अंडरलाइन इफेक्ट फ्रॉम द गिवन वर्ड स्मार्ट। एक स्मार्ट नाम से एक वर्ड, स्मार्ट एक वर्ड लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, उसमें जाना है, उस पर क्लिक करना है और उसमें जो इफेक्ट लगा हुआ है कौन कौन सा, अंडरलाइन वाला और इटैलिक, अंडरलाइन और इटैलिक को हटा देना है। तो 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझना जरूरी है इसीलिए मैं रोककर पहले क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ उसके बाद ओपन करता हूँ। देखिए ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें स्मार्ट वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, इस पे जाना है, इसमें कौन कौन सा इफेक्ट को हटाना है, इटैलिक को हटाना है और अंडरलाइन को हटाना है। तो देखिए अंडरलाइन भी हट गया और जो तिरछा करके टेढ़ा करके लिखा हुआ था वो इटैलिक था फॉन्ट, उसको भी हटा के हम नॉर्मल कर दिया। बोल्ड को हटाने के लिए नहीं कह रहा है तो बोल्ड को हम लोग छोड़ देंगे, सिर्फ कह रहा था इटैलिक और अंडरलाइन इफेक्ट को हटाना था। ओके, तो हम लोग सेवन नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओके एक सेकंड यहाँ पे आ गए, 24 अप्लाई स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट इन द गिवन वर्ड कंप्यूटर साइंस। कह रहा है 24 में कंप्यूटर साइंस एक वर्ड लिखा हुआ है उस पे स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट को अप्लाई करना है। स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या होता है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट अप्लाई करेंगे एक क्रॉस लग जाएगा बीच में, एक कट टाइप है, ये देखिए पहले से नॉर्मल था अब बीच में ये निशान आ गया, ये स्ट्राइक थ्रू है, ये कहाँ से आता है, यहाँ से स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। ओके, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा फिर से दोबारा ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल अगर करना है स्ट्राइक थ्रू लगा हुआ है, लेकिन अगर आपको हटाना है तो आप कीजिएगा क्लिक, तो हट गया ये। अभी क्या लगाना है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले लगाना होता है, क्लिक कर देते हैं। ओके, आगे चलते हैं, सेवन नेक्स्ट। देखिए 25 में क्या कह रहा है, इन द गिवन पैराग्राफ इंक्रीज द इंडेंटेशन ऑफ द पैराग्राफ बाय 2 कैरेक्टर। कह रहा है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसके इंडेंटेशन को बढ़ाना है 2 कैरेक्टर से, तो क्या करना है आपको, सिंपली पहले हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। 25, इसमें क्या कह रहा है, जो पैराग्राफ दिया हुआ उसके इंडेंटेशन को बढ़ाना है। इंडेंटेशन क्या होता है, देखिए स्पेस, यहाँ पे स्पेस जो है वो 2 कैरेक्टर से बढ़ जाएगा, इंडेंटेशन यहाँ होता है, देखिए ये होता है इंक्रीज इंडेंट का साइन है और ये है डिक्रीज इंडेंट। तो आपको अभी क्या कह रहा है, इंडेंटेशन को बढ़ाना है 2 कैरेक्टर से, तो एक बार क्लिक कीजिएगा तो ये इंक्रीज होगा बाय 1 कैरेक्टर, दो बार क्लिक कीजिएगा तो ये इंक्रीज होगा 2 कैरेक्टर से। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं 2 कैरेक्टर से, तो पहले एक बार इंक्रीज किया, देखिए एक कैरेक्टर से ये आगे बढ़ गया, अब सेकंड बार किया तो 2 कैरेक्टर से ये आगे बढ़ गया पैराग्राफ, यही कहलाता है इंक्रीज द पैराग्राफ बाय 2, इंक्रीज इंडेंट बाय 2 कैरेक्टर। अभी हमको 1 कहता तो हम एक ही बार क्लिक करते हैं, अगर हमारे डिक्रीज कहेगा तो एक बार डिक्रीज कर देंगे, दो बार कहेगा दो बार ओरिजिनल में आ गया, तो अभी हमको इंक्रीज बोला दो इंक्रीज कर दिया। ओके, ये इंडेंटेशन को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग सेवन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, हाईलाइट द थर्ड सेंटेंस ऑफ द गिवन डॉक्यूमेंट बाय ब्राइट ग्रीन। ये सिंपली हाईलाइट करना, हाईलाइट वाला तो पहले बताया जा चुका है,
अभी पहले उससे पहले हम लोग येलो में किया था एक बार, ये यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन रिपीट हो गया, हालांकि रिपीट नहीं होता लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, सेम रहेगा बस थोड़ा सा बदल जाएगा। इससे पहले हम लोग क्या किया था, थर्ड सेंटेंस को येलो में किया था, यहाँ थर्ड सेंटेंस को किसने कह रहा है, लाइट ग्रीन में, तो लाइट ग्रीन यहाँ पे पहले येलो था, येलो ये है, लाइट ग्रीन ये है, तो लाइट ग्रीन में कह रहा है कर दीजिएगा सेवन नेक्स्ट कर लीजिएगा। ओके, ये इसलिए डाला है ताकि आपको पता चले एग्जाम में इस तरह का मतलब रिपीटेशन होता है, सेम ही क्वेश्चन रहता है बस रिपीटेशन होता है। तो 27 में क्या कह रहा है, ड्रा टेबल फोर रोज फाइव कॉलम, सिंपल हर बार ड्रा कर लिया, लेकिन इसमें अलग से क्या बोल रहा है, रिमूव इट्स आउटसाइड बॉर्डर, इसका बाहर वाला जो बॉर्डर है उसको रिमूव करना है। तो पहले फोर रोज और फाइव कॉलम का एक टेबल ड्रा कर लें, फोर रोज और फाइव कॉलम का एक टेबल, चलिए हम यहाँ लोग यहाँ पर ड्रा करते हैं एक टेबल, ड्रॉ टेबल, ठीक है, इंसर्ट टेबल में जाएंगे, फोर रोज एंड फाइव कॉलम, तो फाइव कॉलम तो ऑलरेडी है लेकिन फोर रोज नहीं है, तो फोर रोज कर लें, फोर रोज फाइव कॉलम का एक टेबल ड्रा हो गया। अब क्या कह रहा है, इसका आउटसाइड बॉर्डर को रिमूव करना है, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, टेबल का कोई भी चीज काम मतलब ये करना है तो इस पे क्लिक किया था, इस जो स्क्वायर बॉक्स है इस पे क्लिक किया था, तो इससे क्या होता है टेबल सेलेक्ट हो जाता है। अब क्या करना है, इसके बॉर्डर को आउटसाइड बॉर्डर को रिमूव करना है। देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ आउटसाइड बॉर्डर, तो आउटसाइड बॉर्डर आपको जो लिखा हुआ दिख रहा होगा वो ये दिखाई दे रहा है, ये आउटसाइड बॉर्डर बढ़ाने के लिए है, ये कि नो ऑर्डर के लिए है, और रिमूव आउटसाइड बॉर्डर करके लिखा हुआ कहीं दिखाई दे रहा है, इनसाइड इनसाइड, ओके, आउटसाइड बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड इनसाइड बॉर्डर ओनली, ओके। तो देखिए आउटसाइड बॉर्डर को अगर रिमूव करने के लिए कहा जाएगा तो सिर्फ सिंपली क्या कर सकते हैं, देखिए तो उस तरह का दिखाई दे रहा है जो सिर्फ इनसाइड रहा है, तो यही है इनसाइड, ठीक है, बाहर का बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। आउटसाइड कहीं लिखा हुआ अगर है तो वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं है तो नो बॉर्डर में ही हो जाएगा, सारा बॉर्डर हट जाने के लिए ऑल बॉर्डर ये आउटसाइड बॉर्डर यही है, ठीक है। तो देखिए आउटसाइड बॉर्डर जैसे ही हटाया तो ये सारा जो बॉक्स था वो बॉक्स हट गया ना, अभी हम सब देख रहे थे उसमें नो बॉर्डर था, ऑल बॉर्डर था, डार्क बॉर्डर करने के लिए था, हर तरह का था, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा था कि टेबल ड्रा कीजिए और उसके बाहर का बॉर्डर को डिलीट कीजिए, तो बाहर का बॉर्डर जो चारों तरफ था वो डिलीट हो गया, तो सिंपली सेलेक्ट किया और उसको डिलीट कर दिया यहाँ से। अब हम लोग फिर से करेंगे ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा, देखिए फिर से आ गया टेबल, कंप्लीट टेबल, सिंपल। तो बस ये ऑप्शन पे क्लिक करना और जो बोल रहा है उस पर क्लिक कर देना, अभी हम लोग को आउटसाइड बॉर्डर का बात था ये कर दिया खत्म था, आगे बढ़ते हैं सेवन नेक्स्ट। मैं सारा अदर टाइप का भी बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आपको ऐसा हेल्प हो जाए कि कभी भी आपसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, इंसर्ट योर पिक्चर एट द टॉप राइट साइड कॉर्नर ऑफ द योर रिज्यूम, कह रहा है आपने एक रिज्यूम बनाया है उसमें आप अपना पिक्चर लगाना चाहते हैं, उसको कहाँ पिक्चर कहाँ लगता है, रिज्यूम कभी देखा है आप लोगों ने, तो रिज्यूम जब आप अपना बनाइएगा बायोडाटा बनाइएगा तो हमेशा राइट साइड कॉर्नर में आपका पिक्चर लगा होता है, तो इसमें हमको राइट साइड कहाँ है, लेफ्ट साइड ही हो गया, राइट साइड ही है, यहाँ पे एक पिक्चर लगाना है, तो आपका अगर पिक्चर हो तो लगा सकते हैं, इसमें पिक्चर होगा तो मैं लगा दूंगा, नहीं तो कोई और चीज लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पिक्चर नहीं है पहले से, तो मान लीजिए ये आपका फोटो है, सपोज ये आपका फोटो, इसको राइट साइड में लगाना, पहले हम लोग इंसर्ट किया, फोटो सिलेक्ट करिए, इतना बड़ा आ गया, इसको छोटा कर लें थोड़ा सा, छोटा करके राइट साइड, ऑलरेडी ये राइट साइड में है, अगर राइट साइड में ना भी हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में सेलेक्ट कर सकते हैं, बताते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे इतना छोटा आपका पिक्चर तो जरूर लगेगा कम से कम, अगर इससे भी छोटा चाहिए तो इससे भी छोटा कर लीजिए, ये हो गया, ये पिक्चर ऑलरेडी राइट साइड में, अगर आपको इसको मिड में करना है, सेंटर में, मान लीजिए इसको सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, या सेंटर में आ गया, हो गया, अगर लेफ्ट में लगाना तो ये लेफ्ट में आ गया। अभी क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है राइट साइड में, क्योंकि रिज्यूम में राइट साइड में होता है, इसलिए इसको राइट साइड में लगाएंगे इस बार, तो ओके लग गया, आगे बढ़ते हैं सेम एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है आगे, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट डाउन एरो शेप एट द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट, कह रहा है एक डाउन एरो शेप, डाउन एरो यानी एरो का डाउन एरो शेप को इंसर्ट करना है एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो इंड कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे एक डाउन एरो शेप को इंसर्ट करने के लिए कह रहा है, तो शेप में जाएंगे, डाउन एरो कहाँ, ये अप एरो, ये डाउन एरो, तो डाउन एरो को ले लिया, ये देखिए डाउन एरो दिखा, नीचे की तरफ एरो हो गया इंसर्ट, यही कह रहा था क्वेश्चन करने के लिए, सेवन नेक्स्ट करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंसर्ट ए रेडिकल साइकिल स्मार्ट चार्ट ग्राफ इन द गिवन डॉक्यूमेंट, कह रहा है एक स्मार्ट चार्ट ग्राफ ऑप्शन होता है, जब इंसर्ट पे जाएगा शेप में तो वहां पर लिखा रहता है स्मार्ट चार्ट, स्मार्ट चार्ट पे जाइएगा तो कह रहा है उसमें से रेडिकल साइकिल को इंसर्ट कीजिए इस डॉक्यूमेंट में, तो 30 नंबर क्वेश्चन ओपन कर लेते पहले, फिर उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, फिर स्मार्ट चार्ट में जाएंगे और उसके बाद रेडिकल साइकिल को इंसर्ट करेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंसर्ट, देखिए शेप है, स्मार्ट चार्ट है, स्मार्ट चार्ट में आना है, रेडिकल साइकिल है, रेडिकल कहाँ है, देखिए तो साइकिल में आ गया और इसमें रेडिकल साइकिल, तो देखिए रेडिकल साइकिल ये है, अगर पिरामिड बोलेगा तो यहाँ है, जो भी बोलेगा इसमें से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ रेडिकल साइकिल के बारे में, इसी बारे में बोल रहा है, रेडिकल साइकिल इंसर्ट कर दिया, हो गया रेडिकल साइकिल इंसर्ट, सेवन नेक्स्ट करेंगे, ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अप्लाई स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, लास्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपका एक आपने एक पैराग्राफ लिखा है क्वेश्चन में, और उस तरह का पैराग्राफ लिखा है जिसमें एरर क्या है, स्पेलिंग चेक गड़बड़ हो जाता है, हमेशा हम चेक करते हैं तो ग्रामेटिकली एरर रहता ही रहता है, तो
भी आप लिखिएगा पैराग्राफ, तो थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर होता है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका सेंटेंस सही नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे कुछ एरर है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जहाँ पे एरर होता है एमएस वर्ड में वो रेड कलर से हो जाता है, तो ये एरर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा फॉर्मेशन टाइप का कुछ वर्ड होगा, इसमें एरर दिखा रहा है, ये टेली कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे ओ मिसिंग है, यहाँ पे एम मिसिंग है दिखाई दे रहा है, ये एवरीडे है तो एवरीडे में वी मिसिंग है, क्योंकि रेड है इसलिए हम लोग गेस कर सकते हैं कि यहाँ क्या क्या मिसिंग है। तो हम लोगों को ये खुद से ठीक नहीं करना, बल्कि ग्रामर चेक से ठीक करना है। इसके लिए क्या करेंगे, रिव्यू पे जाएंगे, रिव्यू में ग्रामर मिलता है, ग्रामर ये लिखा हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर, इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, जो जो मिस्टेक है उसको ठीक करेंगे। पहला ये लिखा है फॉरेशन, फॉरेशन नहीं होगा बल्कि फॉर्मेशन, तो चेंज, ये चेंज होगा फॉर्मेशन हो गया। फिर टेली कम्युनिकेशन, इसको भी चेंज करेंगे तो ये टेली कम्युनिकेशन का स्पेलिंग सही हो जाएगा, ये एवरीडे, एवरीडे का भी स्पेलिंग सही हो जाएगा। अब सारा चीज चेक हो गया और सारा करेक्ट हो गया। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है एमएस वर्ड का, कि आप कुछ भी पैराग्राफ बनाएंगे, कोई भी चीज लिखेंगे, और अगर उसमें आप चेक करना चाहते हैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं आना है, कोई ग्रामर एरर तो नहीं ना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको लिखने के बाद रिव्यू पे जाना है, रिव्यू के बाद पर जाने के बाद आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे जाना है, क्लिक करने के बाद आपको अपने आप मिल जाएगा कहाँ पे एरर है कहाँ पे नहीं है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।